हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास ट्वेल्थ की एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर चौथा जिसका नाम है एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटजीज वैसे तो अभी शार्क टैंक आ रहा है टीवी पर बहुत सारी चीजें जो है जैसे जो शार्क बात करते हैं जिस बारे में कि फ्रेंचाइजे मीगर्स एक्विजिशन क्या होता है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सब चीजें तो आपने भी पढ़ी होगी कि किसी ने किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रखी है और उसके क्या क्या फायदे होते हैं किस किस को फायदे होते हैं

तो चलो सिलेबस के हिसाब से ही मैं पढ़ा रही हूँ आपको 2023 और 24 के सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट करना है फ्रेंचाइज़ी का और उसके टाइप्स करने है ना अब यहाँ पर देखो फ्रेंचाइज़ी के कॉन्सेप्ट पे आ जाओ एनसीआरटी के पेज नंबर 145 पे है ना अब यहाँ पर जो है वो क्या बता रखा है कि सबसे पहले तो फर्स्ट पैराग्राफ में इसकी हिस्ट्री बता रखे है कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको बता रही हूँ कि कितना लिखना इम्पोर्टेंट है तो फ्रेंचाइजी जो है भाई स्टार्ट हुई थी 1850 में जब इसैक सिंगर जो है हाँ इसैक सिंगर जो है उन्होंने एक सीइंग मशीन मशीन को इन्वेंट किया था सिलने वाली मशीन को इन्वेंट किया था तो जब उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपनी मशीन को डिस्ट्रीब्यूट करना है एक तो अपनी जगह जहां पर मैं रहता हूँ वहाँ तो करना ही करना है लेकिन जहां पर मैं रहता हूँ उसके आउटसाइड भी मुझे बेचनी है और जिन लोगों को मैं बेचूंगा उनको मुझे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने की भाई इस मशीन को कैसे चलाना है और कस्टमर्स भी बढ़ाने अपने तो जो सिंगर है उन्होंने उस अपनी इन्वेंशन के जो लाइसेंसिस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसमैन को डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को बेचने स्टार्ट कर दिए थे कंट्री के अलग अलग पार्ट में है ना और फिर नाइनटीन में जो रेक रॉक है उन्होंने फूड फ्रेंचाइजी की फूड फ्रेंचाइजिंग स्टार्ट करी और उन्होंने आज बहुत बड़ी फास्ट फूड फ्रेंचाइज पूरे वर्ल्ड में सेटअप किए जिसको आज हम मैकडोनल्ड के नाम से जानते हैं ये भी एक फ्रेंचाइजे है अब आप देख लो हर जगह मेकडोनल्ड के स्टोर खुले हुए हैं है, है ना हो क्या है फ्रेंचाइजे तो है और उसके रियल ओनर कोई और हैं तो मैकडोनल्ड जो है करंटली बहुत बड़ी फ्रेंचाइजे है वर्ल्ड वाइड तो ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि हम देख सकते हैं कि फ्रेंचाइज कितना तक फैल सकता है ना टुडे जो फ्रेंचाइजिंग है वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को हेल्प uh, कर रहे कि वो अपने खुद के बॉस बन जाए और खुद हर चीज को ऑपरेट करे अपने बिजनेस को ऑपरेट करे फ्रेंचाइजे जो है एंट्रप्रन्य को या फिर बिजनेस को बिजनेस में आने का मौका देती है खुद के बॉस बनने का मौका देती है बट वो खुद से नहीं आते वो ऑलरेडी सेटअप हुआ हुआ बिजनेस खुद संभालते हैं कुछ पैसा देके फ्रेंचाइजे फ्री में थोड़े ना मिलती है उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं ना तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं कि आपको क्या बेचना है फ्रेंचाइजिंग में जो सर्विसेज़ होती है जो बिजनेस ऑपरेशन होते हैं वो पहले से ही सेटअप होते हैं पहले से ही इस्टेब्लिश होते हैं है ना तो फ्रेंचाइजिंग एक अगर डेफिनेशन के रूप में लिखना हो या फिर थोड़ा समझाना हो तो आप कैसे समझाओगे एन अरेंजमेंट वेयर बाय द एंटरप्रेन्योर और द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ट्रेडमार्क प्रोडक्ट कि मान लो किसी ने कोई इन्वेंशन की कोई प्रोडक्ट बनाया उसका ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट ले लिया तो उस चीज को जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो सोल प्रोपराइटर uh, है उसने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा है ना जो उसको राइट्स मिले हैं उसके प्रोडक्ट के लिए उस प्रोडक्ट को उसने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा लोकल लेवल पे और इंडिपेंडेंट रिटेलर्स को है ना और जैसे जैसे वो बिकेंगी वो उसकी सारी चीज़ तो उसको बदले में रोयलिटीज़ मिलेंगी जो मैनुफैक्चरियल है ना और uh, जैसे मान लो हेवल्स की लाइट है, है ना और मैंने सोचा कि चलो भाई मैं अपना एक इलेक्ट्रिकल स्टोर बना लेती हूँ है ना या फिर शोरूम बना लेती हूँ जिसमें मैं टीवी टीवी वगैरह रखूंगी लाइट्स वगैरह रखूंगी बेचने वगैरह के लिए या फिर सॉरी इलेक्ट्रिकल आइटम्स रखूंगी है ना इलेक्ट्रिकल आइटम्स में लाइट भी आती है तो मैंने सोचा कि मैं जो है हेवल्स uh, की लाइट का एक शोरूम खोलती हूँ तो मैंने हेवल्स की फ्रेंचाइजी ले ली अब सब कुछ सेटअप हेवल्स का कितना नाम है लाइट्स के uh, वर्ल्ड में है ना तो अगर जितने भी हेवल्स का प्रोडक्ट सब जानते हैं एडवर्टाइजिंग वो खूब अपने आप से ही करते रहते हैं मुझे तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि सबको प्रोडक्ट के बारे में पता है और उसका जितना भी प्रोडक्ट है वो मेरे पास अपने आप आ जाएगा क्योंकि उन्हें बेचना ही बेचना है ना अब मैं एक लोकैलिटी में स्टोर सेटअप करूंगी ना मुझे एडवर्टाइजिंग की चिंता ना मुझे किसी और की चिंता बल्कि जो लोग मुझसे हेवल्स की खरीदेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मेरा और बाकी जो बाकी जो जो प्रॉफिट होगा या फिर कॉस्ट होगी वो कंपनी लेगी तो इस तरीके से वो होता है फ्रेंचाइजी का सिस्टम है ना अब जैसे मैकडोनल्ड्स है मैकडोनल्ड किसने स्टार्ट किया था रे ने जो हमने ऊपर पढ़ा है ना लेकिन अब मैं जो हूँ मैं जो हूँ वो मैकडोनल्ड्स ही फ्रेंचाइजी ले लूंगी अपना कोई एक स्टोर खोल लूंगी तो फिर मेरे पास भी ऑर्डर आने लगेंगे और बदले में मैं मैकडोनल्ड को रॉयलिटीज और कुछ कॉस्ट पे करूंगी इस तरीके से तो पर्सन जो फ्रेंचाइजे ऑफर करता है उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंचाइजर और जो इंसान फ्रेंचाइजी खरीदता है फ्रेंचाइजिंग खरीदता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंचाइजी जैसे मैकडोनल्ड जो है फ्रेंचाइज कर रहा है तो मैकडोनल्ड जो है फ्रेंचाइजर हो गया और मैं मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदूंगी तो फिर मैं फ्रेंचाइज खरीदूंगी तो फिर मैं क्या बन गई फ्रेंचाइजी बन गई तो इन दो वर्ड्स का आप ध्यान रखना ठीक है तो इस तरीके से हो गया और एक एक फिर जब दोनों पार्टीज कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट बनता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी को टुगेदर बाइंड अप करता है ये डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करता है कि भाई फ्रेंचाइजर जिसने अपनी फ्रेंचाइजी बेची है वो क्या एक्सपेक्ट करता है फ्रेंचाइजी से रनिंग बिजनेस में कि भाई जो फ्रेंचाइजी है उसको ये करना है उसको वो करना है ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन माननी है इस तरीके से ठीक है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी पे आ जाओ ये देखो चार टाइप की फ्रेंचाइजी होती है सबसे पहली होती है प्रोडक्ट फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इसमें क्या होता है जो मैन्युफैक्चरर है है ना वो क्या करता है ओनर को जो मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्ट का वो क्या करता है ओनर को अथॉरिटी देता है कि उस मैन्युफैक्चरर ने जो अपना गुड बनाया है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ठीक है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ओनर को और ओनर को अलाउ करता है कि भाई तुम मेरे नाम पे और मेरे ट्रेडमार्क पे ये सारे गुड्स जो है बेच सकता है इस तरीके से जैसे हेवल्स लाइट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था हेवल्स लाइट जो है वो ओनर्स को या फिर इंडिविजुअल रिटेलर्स को ऑफर करता है कि अगर तुम मेरे प्रोडक्ट बेचोगे तो मेरे नाम पे ही बेचोगे और मेरे ट्रेडमार्क मार्क पे ही बेचोगे इस तरीके से प्रोडक्ट दे जाते हैं बेसिकली है ना उसके बाद होती है मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी इसमें क्या होता है दीज टाइप ऑफ फ्रेंचाइजेज़ प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन विद राइट टू मैनुफैक्चर प्रोडक्ट कि ये एक ऐसा फ्रेंचाइज़ी होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ये हक देता है कि भाई तुम जो है आप एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हो इस तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हो पब्लिक को बेच सकते हो लेकिन तुम जो है ये प्रोडक्ट मेरे नाम पे बेचोगे फ्रेंचाइजर के नाम पे बेचोगे और उसके ट्रेडमार्क पे बेचोगे ठीक है इस तरीके से और ऐसा जो है काम फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई बॉटलर्स हो गई तो ये जो है फ्रेंचाइजिंग कंपनी होती है अब जैसे मान लो मैंने सोचा कि मैं कल को एक लाइक कोल्ड ड्रिंक बनाना चाहती हूँ और तो फिर किसी ने मुझे अलाउ कर दिया किसी बाहर की कंपनी ने कि हम अपनी कोल्ड ड्रिंक में ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो मैं भी क्या करती हूँ उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलती हूँ और उसके बाद उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को डाल के वैसी की वैसी जैसे वो फॉरेन में बनाते कोल्ड ड्रिंक वैसी की वैसे मैंने इंडिया में बना दी उन्हीं के इन्ग्रीडियंट्स से ठीक है तो अब मेरी कोल्ड ड्रिंक रेडी हो गई तो मैं जो हूँ उनके नाम पे फ्रेंचाइजर क्योंकि वो उनका फॉर्मूला था इंग्रेडिएंट्स का उनका तरीका था कोल्ड ड्रिंक बनाने का तो मैंने उसी को ले लिया तो मैं वो जो प्रोडक्ट है वो जो कोल्ड ड्रिंक मैंने बनाई है वो मैं फ्रेंचाइजर के नाम से बेचूंगी जो कि बाहर विदेश में है और उन्हीं के ट्रेडमार्क पर बेचूंगी तो कुल मिला के उन्होंने मेरे ये राइट दिया कि मैं उनके जैसी Uh, वो बनाऊ कोल्ड ड्रिंक बनाऊ तो ये है मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट है ये वेंचर्स टिपिकली रिक्वायर दैट बिजनेस ओनर परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट फॉर वन स्पेसिफिक कंपनी की जो बिजनेस ओनर है भाई वो एक कंपनी के लिए एक कंपनी से ही माल खरीदेगा उसको बेचेगा जैसे आपने देखा होगा आप अपने लोकल मार्केट में जाते होगे वहां पे कोई मेकअप वगैरह कॉस्मेटिक्स वगैरह की दुकान होगी आप उस मेकअप uh, की दुकान में या फिर कॉस्मेटिक्स की दुकान में एक शुगर वाले सेल्स शुगर कंपनी uh, के सेल्स वाले होते हैं एक लैकमे वाले के होते हैं और एक और कोई आप ब्रांड लगा सकते हो मेवलीन वाले के ब्रांड के लोग होते हैं वो अपने अपने माल को बेचने पे लगे रहते हैं तो वो जो एजेंट्स होते हैं वो बेसिकली किसी एक कंपनी से टाई अप करते हैं उस कंपनी से माल लेके आता है और को माल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये होता है बिजनेस फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी वेंचर है ना कंपनी जो है वो अपने कस्टमर प्रोवाइड करती है अकाउंट प्रोवाइड करती है बिजनेस ओनर को है ना और जो बिजनेस है वो क्या करता है कुछ पे करता है फीस कंपनसेशन के तौर पर है ना इस तरीके से इसका एग्जाम्पल वेंडिंग मशीन रूट्स भी हो सकता है अच्छा नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा आ, वो है फ्रेंचाइजिंग का टाइप वो क्या है देखो बाइक को जाने दो पहले

जो टेस्टेड मेथड है जो प्रूवन मेथड है कि कैसे एक बिजनेस चलेगा और तो वो प्रोवाइड करती है किसी बिजनेस ओनर को कि भाई तो ऐसे ऐसे वाला बिजनेस चला ये प्रूवन है इस तरह, तरह बिजनेस चल जाएगा लेकिन जो भी तेरी सेल्स वगैरह होगी जो भी होगा वो सब कुछ हमारे नाम पे बिकेगा हमारे ट्रेडमार्क पे बिकेगा तो बेसिकली प्रूवन मेथड प्रोवाइड करता है बिजनेस ओनर्स को और कंपनी जो है वो बेसिकली बहुत सारी असिस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है बिजनेस ओनर को स्टार्टिंग में और कंपनी कैसे मैनेज करनी है उस चीज में भी बिजनेस ओनर जो है फिर वो बदले में फीस देता है रॉयल्टी देता है रिटर्न में और एक कंपनी जो है उसको चाहिए होता है कि ओनर जो है उसी कंपनी से सप्लाई करता रहे और परचेजेस करता रहे ठीक है अब हमें पढ़ना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई फ्रेंचाइजिंग के क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या इसकी लिमिटेशन है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई फ्रेंचाइजी जिसने खरीदी है जैसे मैं ही मैकडोनल्ड्स की अगर फ्रेंचाइजी खरीद लेती तो मेरे को क्या फायदे हैं एक तो सबसे पहले प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस मुझे जो है बना बनाया प्रोडक्ट मिल जाता है है ना एक नाम से प्रोडक्ट मुझे मिल जाता है जैसे सबवे है सबवे जो है बर्गर बनाता है तो फिर मुझे सबवे का बर्गर बना बनाया मिल रहा है है ना तो इस तरीके से ऑलरेडी सेटअप ब्रांड या फिर ऑलरेडी सेटअप जो प्रोडक्ट है वो मुझे मिल रहा है और वो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ ठीक है तो ये मेरे को फायदा मिल रहा है दूसरा मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज जो सबवे वाले हैं अगर मैंने उनकी फ्रेंचाइजे ले ली है तो वो मुझे मैनेज करने का तरीका भी बताएंगे ना कि आपको कैसे मैनेज करना है कैसे सेल्स करनी है कैसे क्या प्रिपरेशन करोगे आप कैसे क्या हायरिंग uh, वगैरह होगी इस तरीके से बेसिकली वो मुझे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे जिससे मुझे और भी बहुत सारी ट्रेनिंग में क्या क्या आएंगे बहुत सारी स्किल्स पता चलेंगी मुझे जैसे अकाउंटिंग आएगी पर्सनल मैनेजमेंट आएगा मार्केटिंग आएगी प्रोडक्शन आएगा तो ये सारी चीजें मुझे मैनेजमेंट uh, की टूवर्ड्स ले जाती है मतलब मैं चीज़ों को मैनेज कर पा रही हूँ बहुत सारी स्किल्स में मेरा एक्सपर्टीज हो रहा है तो वो सारी चीजें मुझे बेनिफिट करती हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट देखो अगर हम कोई भी नया बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो फिर हमें उसमें बहुत सारा पैसा लगता है ठीक है कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर लो बहुत सारा पैसा लगेगा लेकिन अगर आप कोई ऑलरेडी सेटअप बिजनेस खरीद रहे हो है ना किसी की फ्रेंचाइजी ले रहे हो किसी की फ्रेंचाइजिंग ले रहे हो तो सब कुछ बना बना है सब कुछ प्रिपेयर्ड आपको बस बेचना है सेल्स करानी है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है सिर्फ फ्रेंचाइजिंग के पैसे लगते हैं है ना और उसके बाद नॉलेज ऑफ द मार्केट आप जो हो आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस मिलता है ट्रेनिंग के दौरान पे है ना और जैसे जैसे आप इसमें पुराने होते जाते हो तो आपको मार्केट की नॉलेज हो जाती है ठीक है तो so एक ये फायदा मिलता है ऑपरेटिंग एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल इसमें सिर्फ एक लाइन में आपको ये चीज मिल जाए कि दो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं जब भी वो कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करते हैं वो क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस की क्वालिटी का कंट्रोल रखना कि मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी हो और दूसरा जो है मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊँ हर चीज को चाहे वो मार्केटिंग है चाहे वो एडवर्टाइजिंग है चाहे वो ब्रांडिंग है चाहे वो हायरिंग है स्टाफिंग है डायरेक्टिंग है जो भी हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस देखे हैं मैं वो अच्छे से कर पाऊँ तो यहाँ पर जब आपको सेटअप हुआ हुआ बिजनेस मिलता है तो आपका जो ऑपरेटिंग और स्ट्रक्चरल कंट्रोल है वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है ठीक है तो ये हो गए बेनिफिट फ्रेंचाइजिंग के किसको फ्रेंचाइजी को जो कि किसी की फ्रेंचाइजिंग खरीदता है अब फ्रेंचाइजर को क्या बेनिफिट मिलते हैं ठीक है थीके? जो फ्रेंचाइजर है जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है जिसने इतने सालों से वो बिजनेस खड़ा किया है जो कि अपनी फ्रेंचाइजिंग बांट रहा है उसको क्या फायदे हैं फ्रेंचाइजिंग के देखो उसका एक तो बिजनेस बहुत फैल रहा है मैकडोनल्ड्स वाले ने मैकडोनल्ड्स के बर्गर बना दिए अपना बिजनेस सेटअप कर दिया अब भाई सब उसकी फ्रेंचाइजिंग ले लेके जा रहे हैं तो उसको कितने सारे आ, स्टेट्स में कितने सारे कंट्रीज में उसका नाम फैल गया बाहर देश का है, इंडिया में कितना फैला हुआ है बाहर के देशों में कितना फैला हुआ है तो कोई एक्सपेंशन होता है वो भी लिटिल कैपिटल्स है इसमें जो है पैसा जो है जैसे अगर हमें वैसे नॉर्मली अगर हम फ्रेंचाइजिंग नहीं देते तो कितना ज्यादा पैसा लगता है दूसरे देशों में अपने बिजनेस को सेटअप करना लेकिन अगर फ्रेंचाइजिंग दोगे तो आपका ज्यादा पैसा नहीं लगेगा लिटिल कैपिटल के साथ आपका जो बिजनेस है वो फटाफट से एक्सपैंड कर जाएगा और साथ के साथ आपको तो रोयलिटी भी मिलेगी है ना कॉस्ट एडवांटेज कॉस्ट एडवांटेज में भी यही है कि एक्सपैंडिंग के लिए आपको ज्यादा पैसा लगाना नहीं पड़ता बल्कि आपको तो रोयलिटी के रूप में मिलता है तो इसके कॉस्ट एडवांटेजेस होते हैं है ना और उसके बाद अब हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है ठीक है आ, अच्छा एक चीज और वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट एडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजिंग सबसे बढ़िया कॉस्ट एडवांटेज क्या है कि एक तो हम आ, हमें ज्यादा पैसे लगाने नहीं पड़ते ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए क्योंकि वो तो फ्रेंचाइजिंग वाले खुद ही कर लेते हैं तो हमें हम जो है ज्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग के ऊपर लगा सकते हैं जिससे कि हमारी सेल्स बढ़ेगी तो ये कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता है जो फ्रेंचाइज फ्रेंचाइजर होते हैं ना अब हम बात कर रहे हैं कि भाई डिसएडवांटेज क्या होते हैं फ्रेंचाइजी को जिसने फ्रेंचाइजिंग खरीदी हुई है उसको क्या डिसएडवांटेज होते हैं एक तो भाई उसका जो फ्रीडम है वो खो जाती है क्योंकि उसे हमेशा कंपनी के हिसाब से ही चलना पड़ता है उसे ओवर गाइड किया जाता है ओवर इन्फ्लुएंस किया जाता है वो अपने दम पे डिसीजन नहीं ले सकता Cost अब यहाँ पे जो है फ्रेंचाइजी की, फ्रेंचाइज की फीस देनी पड़ती है रोयलिटी देनी पड़ती है कभी कभी वो एडिशनल अमाउंट भी जोड़ देते हैं कि भाई एडवर्टाइजिंग का पैसा दो हमें हाँ, जो तुम्हें ट्रेनिंग करवाई उसका पैसा दो तो पैसा ही पैसा देना पड़ता है दूसरा रिस्क ऑफ फ्रेंचाइजर गेटिंग बॉट अब क्या होता है कभी कभी जो फ्रेंचाइजी होती है उसको बहुत लाइक सीरियस प्रॉब्लम को डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है जब फ्रेंचाइजर अपने बिजनेस में फेल हो जाता है या फिर उसकी कंपनी किसी और कंपनी ने खरीद ली होती है तब जाके जो उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर ब्रांड के फ्रेंचाइजी होते हैं उनको तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को या फिर फेस करने को मिलती है इनएबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज अब यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है फ्रेंचाइजी को कि फ्रेंचाइजर जो है अच्छे से सर्विसेज को या फिर लोकेशन को प्रोवाइड नहीं कर पाते या फिर बाकी सर्विसेज को वो प्रोवाइड अच्छे से नहीं कर पाते अब भाई फ्रेंचाइजर को क्या डिसएडवांटेज है उसे सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि ठीक है भाई मैं फ्रेंचाइजिंग तो बांट रहा हूं अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ लेकिन उसको खरीदने के लिए कोई ढंग का इंसान भी तो मिले ना मुझे फाइंड करना एक क्वालिटी फ्रेंचाइजी बहुत ज्यादा मुश्किल है चलो मैंने अगर अपनी फ्रेंचाइजिंग बेच भी दी लेकिन वो अगला कुछ बेच ही नहीं पाया तो फिर उसका क्या फायदा उस फ्रेंचाइजिंग को लेने का ऐसे तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो ऐसे का ऐसे रहा ठीक है उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ तो ये होता है डिसएडवांटेज फ्रेंचाइजर को फ्रेंचाइजी का ठीक है अब हमारा बस एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें हमें पढ़ना है विल स्टार्ट विद मर्जर्स मर्जर्स क्या होते जैसे मर्ज करना कंबाइन करना है ना किसको कंबाइन करना दो कंपनीज को और दो कंपनी मिलके जब एक लार्ज कंपनी बन जाती तो है तो उसे मर्जर कहते हैं है ना अब मर्जर में क्या होता है द क्वायरिंग कंपनी टेक्स ओवर द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए कंपनी जो कंपनी होती है जो एक्वायर करती है वो दूसरी कंपनी के एसेट्स भी ले लेती है और लाइबिलिटीज भी ले, ले लेती है ठीक है अब जनरल में जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो जनरली जो फर्म स्मॉल साइज की होती है टर्म्स में उसमें कॉन्सडोलेशन uh, होता है यानी कि एक कंपनी छोटी होती है और दूसरी कंपनी बड़ी होती है जो बड़ी कंपनी होती है तो छोटी वाली को एक्वायर कर लेती है उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ले, ले लेती है उसको हम मर्जर कहते हैं ठीक है सिग्नि uh, जब दोनों फॉर्म्स का साइज अलग हो जैसे की छोटी हो जाता है मर्जर जो है वो दो फॉर्म्स में होता है है ना पहली फॉर्म क्या होती है एमेलगेमेशन इसमें क्या होता है दो एंटिटीज uh, मिल जाती है अच्छे तरीके से और एक नई एंटिटी बनाती है यानी कि दोनों की दोनों एक्सटिंग हो जाती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें हम लगा सकते हैं हाँ ये वाली देखो ए प्लस बी ए कंपनी है और बी कंपनी है और जो दोनों की दोनों मिल गई तो एक नई कंपनी बन गई सी कंपनी बन गई तो यानी कि दोनों की आइडेंटिटी जो है एग्जिस्टेंस जो है वो एस्टिंग्विश हो गई और फिर एक नई चीज बन गई एक नई कंपनी बन गई है ना और उसके बाद जो दूसरी फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन इसमें क्या होती है एक एंटिटी दूसरी के अंदर घुल जाती है यानी कि ए प्लस बी अगर आप देखोगे तो ए बन जाएगी और जो बी वाली कंपनी है वो ए में ही मर्ज हो गई बिकॉज ऑफ साइज तो ये हो गई आपकी एब्जॉर्प्शन और ये वाली जो कंपनी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वो एमेलगेमेशन या फिर कंसोल कंसोलिडेशन हो जाता है। इस तरीके से मर्जर जो है वो होता है। अब मर्जर कितने टाइप्स के होते हैं? One, two, three, four, five, पांच टाइप के मर्जर्स होते हैं। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्ग्लोमेरेट। इसमें क्या होता है? मर्जर बिटवीन फॉर्म्स दैट आर इन्वॉल्व टोटली अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी कोई ऐसी दो फॉर्म्स जो कि बिल्कुल ही अलग बिजनेस कर रही हैं तब भी मर्ज हो जाती हैं है ना ये मार्केट एक्सटेंशन को या फिर प्रोडक्ट एक्सटेंशन के लिए रुकी हुई होती हैं जैसे कि मान लो कोई शूज की कंपनी जूते की कंपनी वो मर्ज हो गई किसी सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रिंक के लिए कोल्ड ड्रिंक के लिए तो जूते की कंपनी कहाँ है और कोल्ड ड्रिंक कहाँ है लेकिन फिर भी मर्ज हो गई ठीक है तो इस चीज को हम कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट और दो टाइप की कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर्स होते हैं प्योर एंड मिक्स प्योर में क्या होता है जिसमें ऐसी दो फॉर्म्स मिक्स हो जाती हैं मर्ज हो जाती है जिसमें कोई कुछ भी कॉमन नहीं है जैसे कि शूज और सॉफ्ट ड्रिंक और जो मिक्स वाली होती है उसमें ऐसी दो फॉर्म्स होती हैं जो कि प्रोडक्ट एक्सटेंशन या फिर मार्केट को बढ़ाने के लिए आ, जुड़ी हुई होती हैं ठीक है नेक्स्ट होता है हॉरिजोंटल मर्जर इसमें क्या होता है मर्जर uh, होता है कंपनीज के बीच में जो सेम इंडस्ट्री में होते हैं जैसे कोको कोला और पेप्सी जो वो मिल जाए सेम इंडस्ट्री के सेम को uh, मतलब कोल्ड ड्रिंक के कैटेगरी uh, है तो वो हॉर्जोंटल मर्जर कहता है उसके बाद होता है एक्स मार्केट एक्सटेंशन मर्जर इसमें क्या होता है जब दो कंपनीज के बीच में मर्जिंग uh, होती है दैट डील इन द सेम प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं लेकिन अलग अलग मार्केट में है ना तो उसका uh, क्या मेन पर्पज होता है कि वो बड़े से बड़ा मार्केट बनाए और बड़े से बड़ा क्लाइंट बेस बनाए ध्यान से सुनना जब दो कंपनीज मर्ज होती हैं सेम प्रोडक्ट के साथ डील करती है लेकिन अलग अलग मार्केट में तो सेम ही प्रोडक्ट है पर मार्केट अलग अलग है तो दोनों मिल जाएंगी तो दोनों के मार्केट मिल जाएंगे ज्यादा क्लाइंट बेस मिल जाएगा तो होता है मार्केट एक्सटेंशन नाम से समझ में आ रहा है एक होता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर इस मर्जर में क्या होता है जब दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डील करती हैं ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है और सेम मार्केट में ऑपरेट करते हैं ठीक है इसका भी मेन मकसद क्या है कि वो बिगर सेट ऑफ कंज्यूमर को लाना चाहते हैं है ना और अपने प्रोडक्ट्स को ग्रुप करना चाहते हैं मतलब कि प्रोडक्ट्स जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है इस तरीके से है ना और वर्टिकल मर्जर में क्या होता है जब डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं लेकिन उन दोनों मतलब एक कंपनी है जो कि एक पार्ट बना रही है दूसरी कंपनी दूसरा पार्ट बना रही है लेकिन वो दोनों पार्ट मिलके कोई एक चीज बननी होती है जैसे मान लो हम कंप्यूटर लगा लेते हैं कंप्यूटर में कितने सारे पार्ट जुड़े होते हैं तो कोई प्रोडक्ट जो है वो चाइना बना रहा कोई प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका बना रहा है लेकिन दोनों साथ में मिलकर कंप्यूटर ही तो बनेगा तो होता है वर्टिकल मर्जर इस तरीके से ठीक है तो ये हो गया हमारे मर्जर के बारे में उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी एक्विजिशन एक्विजिशन के बारे में क्या होता है किसी कंपनी का टेक ओवर कर लेना किसी कंपनी को खरीद लेना उसका कंट्रोल ले लेना उसकी एसेट्स ले लेना चाहे वो टैंजिबल हो इन हो टैंजिबल एसेट्स माने जिसको हम देख सकते छू सकते हैं और इनटेंजेबल जिसको हम देख नहीं सकते ना छू सकते उसके राइट्स ले लेते हैं और दूसरे काइंड ऑफ ऑब्लीगेशन भी ले ले सकते हैं कुल मिला के इसका मीनिंग देख लो अ कॉर्पोरेट एक्शन इन विच अ कंपनी बाय मोस्ट इफ नॉट ऑल मतलब एक कंपनी को चुन लेते हैं कि भाई इसको हमें लेना है इसकी ओनरशिप को ले लेना है चाहे उस कंपनी को पूरा ना एक्वायर करे चाहे थोड़ा सा एक्वायर करे चाहे उस कंपनी को पूरा ना एक्वायर करे लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी हो ही जाती है एक्वायर उसका पूरा कंट्रोल ले लेते हैं तो ये होता है एक्विजिशन अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं एक तो होता है फ्रेंडली एक्विजिशन कि भाई दोनों पार्टीज चाहती हैं दोनों कंपनी चाहती हैं कि हम जो है एक दूसरे के दोस्त हैं और हम जो है एक कंपनी दूसरी वाली को एक्वायर कर लेती है फ्रेंडली एक होता है रिगवर्स एक्विजिशन जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को एक्वायर वायर कर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को एक्वायर कर लेती है एक होता है बैक फ्लिप एक्विजिशन इसमें क्या होता है जो परचेजिंग कंपनी होती है जो खरीदने वाली होती है वो कनेक्ट हो, हो जाती है वो सब्सिडरी हो जाती है परचे

अब वो बन गई है ब्लिंकेट अब ब्लिंकेट को भी मान लो कोई खरीद ले लाइक जोमेटो वाले खरीद लें तो परचेजिंग कंपनी जो हो गई वो ऑलरेडी परचेस्ड कंपनी को परचेज करे इस तरीके से ये होता है बैक फ्लिप एक्विजेशन उसके बाद हम देखते हैं हॉस्टाइल एक्विजेशन इसमें क्या होता है द एंटायर प्रोसेस इज डन बाय फोर्स ये जो है फोर्सिंग से होता है स्मॉल कंपनी जिसके पास और कोई चारा नहीं बचता यस yes कहने के अलावा कि ठीक है भाई हमारे पास और कोई चारा नहीं है तो हमारी कंपनी को खरीद ही लो और तो हम कुछ नहीं कर सकते और बिगर कंपनी जो है उसको बाय कर लेती है दैट इज हॉस्टाइल एक्विजिशन अब एक लास्ट टॉपिक और बचा है कि ये मर्जर्स और ये एक्विजिशन क्यों होते हैं सबसे पहला इसका रीजन है साइनर्जी साइनर्जी क्या होती है इस में क्या होता है इसका एक वो होता है फॉर्मूला डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंबाइंड फर्म की जब दो फॉर्म मिलके दो कंबाइंड फॉर्म मिलके उसकी जो वैल्यू बनती है उसमें हम माइनस करेंगे जितने भी उस कंपनी में काम करते हैं उन लोगों के सम को तब हमारी एनर्जी निकलती है तो उस एनर्जी की वैल्यू के हिसाब से ही कोई कंपनी को एक्वायर किया जाता है या कोई कंपनी को मर्ज किया जाता है ठीक है उसके बाद एनर्जी के अंदर कुछ थोड़ी बहुत फॉर्म्स होती है एक तो ऑपरेटिंग इसमें क्या होती है कि कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है कंपनी की उस हिसाब से भी कंपनी की एनर्जी की वैल्यू डिसाइड होती है उसके बाद फाइनेंशियल फाइनेंशियलर्जी इसमें क्या होता है कितने लोअर टैक्स है कितना कर्जा है कंपनी के ऊपर कितना उसके पास कैश फ्लो है तो उसके हिसाब से भी एनर्जी कैलकुलेट होती है है ना उसके बाद दूसरा रीजन क्या है किसी कंपनी को एक्वायर या फिर मर्ज करने का एक तो कंपनी जो है अपनी कम, अपनी टेक्नोलॉजी को अपनी एप्लीकेशंस को जो उसके एप्स वगैरह होते हैं उसको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रही है ना एक कंपनी को जरूरत तो नहीं होती कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को बार बार अपग्रेड करे लेकिन अगर वो दूसरी कंपनी बट बाय बाइंग अनदर कंपनी जैसे दूसरी अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो उसके पास एक यूनिक टेक्नोलॉजी आ, आ जाती है जिसकी वजह से वो कॉम्पीट करने लग जाती है मार्केट में इम्प्रूव्ड प्रोफिटेबिलिटी अगर एक कंपनी को ऐसा लग रहा है कि भाई हम जो है मर्ज करके काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे तो फिर कंपनी जो है वो मर्ज जाती है एक्वायरिंग कॉम्पिटेंसी अब यहाँ पे क्या हो होती है जैसे मर्ज करके एक तगड़ी फॉर्म के साथ है ना हो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मारुति जो था वो इंडियन ब्रांड था और सुजुकी जो था वो जापानीज था ठीक है तो फिर वो दोनों जो है मर्ज हो गए और उसके बाद क्या बन गए मारुति सुजुकी और उन्होंने एक नए मार्केट में यानी कि इंडियन मार्केट में और भी बहुत सारे मार्केट में उन्होंने अपना पैर जमाया तो हम मर्ज करके नए नए मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्सेस टू फंड अब जैसे बहुत मुश्किल होता है कंपनीज के लिए कि वो पैसा कहाँ से लाए उनकी डे टू डे नीड्स के लिए या फिर लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए तो वो जो है uh, मर्ज कर जाते हैं फिर एक्वायर uh, हो जाती है ताकि उनके पास भरपूर पैसा आ जाए क्योंकि दूसरी कंपनी में पैसा डालेगी ना और टैक्स बेनिफिट अब यहाँ पर मर्जर्स जो हैं वो इसलिए भी अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि टैक्स लाइबिलिटीज को रिड्यूस करा जाए है ना मर्जेस मर्जिंग uh, करने से जो लॉस मेकिंग जैसे कोई कंपनी लॉस कर रही थी काफी सालों से तो मर्ज करके किसी ऐसी कंपनी के साथ अगर हम मर्ज कर ले जिसका काफी अच्छा प्रॉफिट बैकग्राउंड है तो उससे क्या होता है दूसरी कंपनी जो मर्ज कर रही होती है उस कंपनी को काफी सारे प्रॉफिट और टैक्स बेनिफिट मिलने लग जाते हैं तो इस वजह से काफी सारी कंपनी जो है मर्ज करती हैं और करती हैं तो आई होप आपको पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एंड प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच